सेल बायोलॉजी में आपको सबसे पहले सेल वॉल पढ़ाते हैं, जितने भी लोग हैं आप सारे लोग इसको ध्यान से देखें सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर आपने पढ़ा है तो ये आउटर कवरिंग इन प्लांट सेल है, आउटर कवरिंग इन प्लांट सेल मतलब प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो सेल वॉल है। मतलब अगर आपको ये बेसिक बात ऐसे समझनी है तो ऐसे मुस्कुराइए, ऐसे बनाइए कि अगर ये कोई सेल है, ये मान लीजिए कोई एक प्लांट सेल है, ये देखिए अगर कोई ये एक प्लांट सेल है और इसकी इस मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं इसकी मेम्ब्रेन को जिसने जो इसकी आउटर कवरिंग है, तो इस प्लांट सेल इसको तभी कहेंगे जब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर हमारी ये स्ट्रक्चर हो जिसे आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं। मतलब आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल ये बात हुई, इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी बात आप लिख सकते हैं अब्सेंट इन एनिमल सेल, मतलब सेल वॉल जो है अब्सेंट इन एनिमल सेल, आपको सेल वॉल कभी भी एनिमल सेल में नहीं दिखाई पड़ेगी। एक सामान से लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल, मतलब जो प्लांट सेल है उसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, उसका यूनिक फीचर है ये सेल वॉल आउटर कवरिंग है। अगर आपको इसके बारे में लिखना है तो आप जरूर लिखिएगा। एक बात आपको याद रखना है, एक रिजिड है एंड ये लिखना है नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। मैंने आपको पहले बताया था नॉन लिविंग है, मतलब ये रिजिड है, टाइट है, नॉन लिविंग। आप याद रखिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर पाया जाता है वो मिशन नॉन लिविंग होता है, कॉन्सेप्ट है। तो इसे इसलिए इसको सेल कोट में रखा जाता है। तो ये प्लांट सेल की आउटर कवरिंग है और एनिमल सेल में एब्सेंट है और प्लांट सेल का करेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर इसकी डिस्कवरी की बात की जाए, खोजा किसने था, तो अगर आप इसके डिस्कवरी की बात करते हैं तो ये देखिए ये आदमी है रॉबर्ट हुक। आपने पढ़ा था रॉबर्ट हुक ने सेल खोजा था, मैंने पहले बताया कि रॉबर्ट हुक ने सेल नहीं खोजा था, एक्चुअली 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल खोजा था, ये आपको समझना है। मतलब ये डिस्कवरर हो गए। अगर आपको इसकी ओरिजिन की बात करनी है कि सेल वॉल बनती कहां से है, तो ओरिजिन को बात याद करना है तो आप याद रखिएगा इसकी ओरिजिन जो है प्रोटोप्लाज्मिक है। प्रोटोप्लाज्मिक मतलब ये हुआ कि प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं, अगर यहाँ पर न्यूक्लियस है सेल के अंदर, न्यूक्लियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म मिला के प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो जब ये सेल वॉल बनती है, ये जो आउटर कवरिंग बनती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, इसका सिक्रीशन साइटोप्लाज्म करता है। मतलब न्यूक्लियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म होने वाली घटनाओं से सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो इसके ओरिजिन प्रोटोप्लाज्मिक होती है और कब बनती है, अगर आपको लिखना हो तो लिखिए फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जिस समय प्लांट सेल में सेल का डिवीजन होता है उस समय सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, आपको याद रखना है। ये बात आपको याद रखना कि इसका फॉर्मेशन प्रोटोप्लाज्म करता है, इस सेल का साइटोप्लाज्म सेल वॉल से जिस चीज का कंटेंट है सेलुलोज का, यानी सेलुलोज जिन चीजों को बना है उसका फॉर्मेशन सेल के साइटोप्लाज्म में होता है और सिक्रीशन सेल के बाहर होता है, तब ये वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो आपने क्या पढ़ा, ये पढ़ी, इसकी अकरेंस पढ़ी, इसकी डिस्कवरी पढ़ी, इसकी ओरिजिन पढ़ी। आइए अगर हम लोग इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें, कि ये सेल वॉल एक्चुअली बनी किसकी है, किस चीज की बनी है ये सेल वॉल, तो आपको फोकस करना है, आपको याद करना है केमिकल कंपोजिशन। लिखता हूं मैं, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले आप एक बात रखिएगा कि ये सेल वॉल दोनों सेल में पाई जाती है, एक तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाई जाती है, आपको याद रखना है, दूसरा ये यूकैरियोटिक सेल में भी पाई जाती है। लेकिन अगर हम आपसे कहें ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कौन सी है, तो आप कहेंगे सर ध्यान रखिएगा ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक प्लांट सेल है जिनमें सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखिएगा इस बात का, प्लांट सेल जो भी है चाहे वो प्रोकैरियोटिक है चाहे यूकैरियोटिक है, हर जगह पर सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल्स देखिए अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये है बैक्टीरिया, क्या है बैक्टीरिया। अगर इसमें सेल वॉल को देखा जाए तो इसमें सेल वॉल बना है एन एसिटिल ग्लूकोसामीन का बना है, ग्लूकोसामाइन का बना है, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन का बना है जिसे हम लोग नैक कहते हैं। दूसरा इसमें जो कंटेंट है उसका नाम है एन एसिटिल
एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड का बना है, एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड का बना है जिसको हम लोग नैम कहते हैं। ये देखिए ये बैक्टीरिया में है नैम और नैक का, तो अगर बैक्टीरिया हो गया। दूसरा देखिए, अगर हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें, ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें, ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें, तो ये देखिए आप ऐसे दोनों को घेर दीजिए, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया की सेलवाल, ऐसे दोनों को घेर दीजिए और एक बात पे लिखिए कि सर ये दोनों जो हैं पेप्टाइडो ग्लाइकान के बने हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, सरल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो ये अगर बैक्टीरिया पूछू मैं, ब्लू ग्रीन एल्गी पूछू, तो कौन सी सेल वाल है, कौन सी सेल है, आप बोलिए सर ये जो दोनों सेल है, ये दोनों सेल जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल है। ऐसे दिखाइए कि दोनों प्रोकैरियोटिक सेल है। अब अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, प्रोकैरियोटिक हो गई, ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरियम, अगर आपको सिंपली पूछे तो आप पेप्टाइडोग्लाइकान बताएंगे, लेकिन बैक्टीरिया में डिटेल पूछता तो आपको बताना पड़ेगा एन एसिटिल ग्लूकोसामीन और एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड बताना पड़ेगा। अगर डीप में जाता है तो डीप में जाता है तो आपको इसे देखना पड़ेगा। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो ये देखिए, ये देखिए ये एल्गी है। हम पहले आपको बता दें कि ये है मेडिकल का टिकट जिसे कहते हैं एनसीईआरटी। अगर आप एल्गी भी देखते हैं, एल्गी भी देखते हैं तो ये पन्ना है, ध्यान से देखिए कमेंट्स को, ये गैलेक्टन्स का पन्ना है, ये मैनन्स का पन्ना है, गैलेक्टन्स का बना है, ये बैलेंस का बना है, ये जो है हेमिसेलुलोज का बना है, हेमिसेलुलोज का बना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। अक्सर आपसे ये पूछा जाता है कि किस जगह पर सेलवाल में कैल्शियम कार्बोनेट पाई जाती है, आपको जवाब देना है एल्गी में पाई जाती है। अगर हम फंगस की बात करें, फंजाई की बात करें, तो फंजाई में जो बैक्टीरियल सेलुलोज है उसे काइटिन कहते हैं। तो ये देखिए फंजाई में काइटिन का बना है, ये काइटिन क्या है, पॉलीसेक्राइड है, इसे फंगल सेलुलोज भी आप कह सकते हैं, तो काइटिन का बना है। और अगर हम लोग ग्रीन प्लांट्स की बात करें, ग्रीन प्लांट्स जो हैं, ग्रीन प्लांट्स में अगर बात करें तो ध्यान सुनिएगा, ये देखिए किसका किसका बना है। आप यहां पर हेमिसेलुलोज हटा दें, सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट आपको यहां पर फोकस करना है। लिखिए यहां पर बना है पहला प्रोडक्ट है प्लांट सेल का, जिसे हम हेमिसेलुलोज कहते हैं, हेमिसेलुलोज कहते हैं। दूसरा जो है वो सेलुलोज है, ये लिखिए सेलुलोज है। और फिर एक लिखिए पेक्टिन सब्सटेंस है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेलवाल को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, तो अगर आपको बैक्टीरिया की सेलवाल डाइजेस्ट करना है तो लाइसोजाइम चाहिए, अगर आपको फंजाई की सेलवाल डाइजेस्ट करना है तो काइटिनेज चाहिए, अगर आपको ग्रीन प्लांट्स की सेलवाल डाइजेस्ट करना है तो आपको सेलुलोज चाहिए और पेक्टिनेज चाहिए। इतने एंजाइम है, मतलब अगर आपसे कभी कोई पूछे सेलवाल को डाइजेस्ट करने के लिए कौन कौन सा एंजाइम चाहिए, तो सेलवाल को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए कौन कौन सा, बायोटेक में है, क्लास 12th में है। ये देखिए अगर आपसे पूछे बैक्टीरिया की तो लाइसोजाइम चाहिए, फंगस की चाहिए तो काइटिनेज चाहिए, ग्रीन प्लांट चाहिए तो सेलुलेज चाहिए और पेक्टिनेज चाहिए। चार एंजाइम है जो सेलवाल को डाइजेस्ट करते हैं। आप याद करना है ये बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी कौन सी सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, एल्गी फंजाई और ग्रीन प्लांट्स क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। एनसीईआरटी बात एक्सप्लेन की हुई है। स्ट्रक्चर आप सेलवाल देखते हैं, अगर हम लोग सेलवाल का स्ट्रक्चर देखें, ये देखिए अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो कोई भी सेलवाल चार लेयर की बनी है, ध्यान से देखना है आपको। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इस सेलवाल में जो चार लेयर है उनका पहले का नाम है, जो सबसे पहली लेयर है उसका नाम है मिडिल लैमिला। ये देखिए सबसे पहली लेयर है जिसको हम लोग मिडिल लैमिला कहते हैं। फॉर्मेशन के आधार पर जो दूसरी सेलवाल बनती है उसे हम लोग प्राइमरी सेलवाल कहते हैं। ये देखिए ये सेकेंडरी सेलवाल होती है, ये प्राइमरी सेलवाल, सेकेंडरी सेलवाल, और फिर जो होती है वो टर्शियरी सेलवाल होती है। ये देखिए तो सेलवाल में टोटल जो लेयर होती है मैक्सिमम हो सकती है फोर, मैक्सिमम फोर लेयर हो सकती है सेलवाल में। अगर आप इसको बेसिक तरीके से एनसीईआरटी में सीखना चाहें, एकदम सिंपल सी बात सीखें, तो आप ऐसे सिंपल में बता रहा हूं, अभी आपको मैं डिटेल नहीं सिखा रहा हूं, मैं एकदम सिंपल सी बात कर रहा हूं। ये बात देखिए कि अगर आपको ये समझ में आ जाए, एकदम सिंपल सी बात समझना है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है। तो अगर आप सिंपली सोचें तो शेल के अगर अंदर सबसे आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसके ऊपर जो सेलवाल है उसमें मैक्सिमम चार लेयर हो सकती है।
अगर आप चारों लेयर को, मैं ऐसे ऐसे तो ये दिखती नहीं है, लेकिन मैं अगर ऐसे चारों लेयर बना दूं, ऐसे चारों लेयर बना दूं, एक दो तीन और एक चौथी लेयर बना दूं, तो आपको ये समझना है कि इन चारों लेयर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ये देखिए, ये पहली लेयर है, दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है। तो अगर आप पहली लेयर देखें तो ये जो सबसे आउटर लेयर है ये मिडिल लैमेला है। दूसरी अगर देखा जाए तो ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये देखिए प्राइमरी सेल वॉल है। तीसरी देखा जाए तो ये सेकेंडरी सेल वॉल है, ये देखिए ये सेकेंडरी सेल वॉल है। और सबसे अंदर वाली देखा जाए तो टर्शियरी सेल वॉल है। मतलब आपको ये बात सबसे पहले कंफर्म हो जाए कि अगर हम किसी प्लांट सेल को बाहर से देखते हैं तो सबसे पहले जो आउटर लेयर होगी वो मिडिल लैमेला होगी, फिर प्राइमरी होगी, फिर सेकेंडरी होगी, फिर टर्शियरी होगी, और सबसे अंदर की जो मेम्ब्रेन होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। आपको सबसे पहले ये बात सीख लेनी है। मतलब अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ चलते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर चलेंगे तो पहले मिडिल लैमेला मिलेगा, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी सेल वॉल मिलेगी। लेकिन अगर हम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो सबसे आउटर ये होगी मिडिल लैमेला और सबसे इनर कौन सी होगी, टर्शियरी सेल वॉल। ये बात आपको ध्यान रखना है। अक्सर कुछ सब पूछा जाता है कि अगर हम प्लांट सेल में बाहर से अंदर की तरफ चले तो सबसे पहली कौन सी लेयर मिलेगी, तो सबसे बाहर की जो लेयर होगी मिडिल लैमेला होगी, फिर प्राइमरी होगी, फिर सेकेंडरी होगी, फिर टर्शियरी होगी, और सबसे अंदर की जो मेम्ब्रेन होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। इसका पूरा ख्याल रखना है। अगर आप अनुष्का शर्मा को याद कर सकते हैं, आप ऐश्वर्या को याद कर सकते हैं, ऐश को याद कर सकते हैं, तो आप मिडिल लैमेला का सीक्वेंस भी याद कर सकते हैं, सेल वॉल का स्ट्रक्चर भी याद कर सकते हैं। करना पड़ेगा, कितने बड़े दिमागदार हो, दुनिया सबसे बुद्धिमान जीव हो, सीखना चाहिए तुम्हें, सीखो, देखो ध्यान से। तो अगर हमको ये देखना हो कि किसी प्लांट सेल में आउटर कवरिंग कौन है तो सीक्वेंस ये है। सबसे आउटर कौन है, आउटर है हमारी मिडिल लैमेला, और इनर कौन है, इनर है ये। मतलब आप ये सोचिए कि सबसे आउटर लेयर है मिडिल लैमेला, फिर प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी है, फिर टर्शियरी है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एनसीईआरटी ने सेकेंडरी सेल वॉल को नहीं लिखा, टर्शियरी को नहीं लिखा है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से आउटर लेयर मिडिल लैमेला है, फिर प्राइमरी सेल वॉल है, फिर सेकेंडरी सेल वॉल है, फिर टर्शियरी सेल वॉल है। तो ये सीक्वेंस चार लेयर है। तो अगर आपको चार लेयर देखना है तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा मिडिल लेयर, फिर देखना पड़ेगा सेकेंडरी प्राइमरी सेल वॉल, फिर सेकेंडरी सेल वॉल, फिर टर्शियरी सेल वॉल देखना पड़ेगा। आइए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मिडिल लैमेला को। हम लोग यहां लिखते हैं कि सबसे पहले बात हो जाए इस मिडिल लैमेला की बात हो जाए, मिडिल लैमेला की बात हो जाए, मिडिल लैमेला लिखा गया है। तो सबसे पहले लिखिए प्रेजेंट, पहला कमेंट, प्रेजेंट प्रेजेंट बिटवीन बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल। ये देखिए आपने फर्स्ट पहला कमेंट लिखा, प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल। दो एडजेसेंट प्लांट सेल के बीच में मिडिल लैमेला पड़ी होती है। अगर आपको ये बात, ये कमेंट सीखना है, एनसीईआरटी की ये लाइन सीखनी है, तो आप कैसे इस बात को सीखेंगे? ये देखिए, अगर आप इसका फिगर बना लें, सिंपल सा आप सीखे कि अगर ये प्लांट सेल ये है, ये एक प्लांट सेल है और दूसरी प्लांट सेल ये है, ये देखिए ये दो सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो इन दोनों सेल्स के बीच में जो सबसे मिडिल लैमेला है देखिए भाई, तो ये जो है मिडिल लैमेला है, ये दो प्लांट सेल के बीच की एडजेसेंट लेयर है, ध्यान रखिएगा। ये बड़े मियां या छोटे मियां है, बीच में जो है मिडिल लैमेला है, तो दो प्लांट सेल के बीच में है। एनसीईआरटी कहती है, ये जो मेडिकल का टिकट है, ये कहता है कि ये दो प्लांट सेल के बीच पड़ी है। इट ग्लूड या होल्ड टू नेबर प्लांट सेल्स। मतलब जो दो पड़ोसी प्लांट सेल्स हैं, उन सेल्स को ये जो है घेरे रहती है, ग्लू किए रहती है या होल्ड किए रहती है। ये इसका दूसरा कमेंट हो गया। क्वेश्चन पूछा जाता है मिडिल लैमेला के बारे में, शॉर्ट में इसको हम लोग एमएल लिख सकते हैं। तो दो प्लांट सेल के बीच में है, दोनों को चिपका के रखती है। तीसरी बात देखिए,
तीसरी बात देखिए, कंपोस्ट ऑफ, ये पूछा जाता है कंपोस्ट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी कहती है ये बनी है कैल्शियम पेक्टेट की। इतना कहने के बाद एनसीईआरटी चुप हो जाती है, लेकिन मैं कहता हूं कि इसमें मैग्नीशियम पेक्टेट भी है। जब आप कभी पढ़ेंगे तो इसमें कैल्शियम पेक्टेट का अमाउंट ज्यादा है और मैग्नीशियम पेक्टेट का अमाउंट कम है, ये ध्यान देना है आपको। एक बात ध्यान रखिएगा, जब राइपनिंग हो जाती है फ्रूट की, राइपनिंग हो जाती है किसकी, फ्रूट का, तो वो लूज हो जाता है। लूज क्यों जाता है, ध्यान रखिए, जब फ्रूट की राइपनिंग हो जाता है, फल पक जाता है। आम खा रहे हो ना तुम, आम खूब खाते हो, ठेले भी खड़े होके, ये देखो जब आम पक जाते हैं तो वो लूज हो जाते हैं। ऐसा इसलिए है कि जो उनकी मिडिल लैमेला होती है वो डाइजेस्ट हो जाती है। क्वेश्चन आता है कि आम पकने पे लूज क्यों जाता है, हमें यार तुम ठेले वाले को बताओ ना भाई, बताओ कि तुम कच्चा आम है, मिडिल लैमेला है और आम पक गया है तो ये मिडिल लैमेला डाइजेस्ट हो गई है। अगर इसको डाइजेस्ट करना है तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको स्ट्रांग एसिड की जरूरत पड़ेगी, ध्यान दीजिए। तो याद रखो, अगर आम पक गया है, लूजनेस का कारण क्या है, ये लिखा है, उसकी मिडिल लैमेला डाइजेस्ट हो गई। किसने डाइजेस्ट किया है, इस मिडिल लैमेला ने इसको डाइजेस्ट किया है, मिडिल लैमेला को स्ट्रॉन्ग एसिड ने डाइजेस्ट किया है। एनसीईआरटी ने इतनी बात लिखी है कि ये दो प्लांट सेल के बीच में है, दोनों प्लांट सेल को जोड़ के रखती है और बनी किसकी है, कैल्शियम पेक्टेट की। इतना तो एनसीईआरटी ने लिखा, लेकिन एनसीईआरटी ने ये बात नहीं लिखी मैग्नीशियम पेक्टेट बना, हम कहते हैं बनी हुई है। ये देखिए, जब फल पक जाती है तो ये लूज हो जाती है और ये मिडिल लैमेला, और जब ये डाइजेस्ट हो जाती है तो फल लूज हो जाता है, लूजा हो जाता है। ये बात सीखनी है आपको, ये बात समझनी है आपको। अब आपको ये बात याद करनी है कि ये जो प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल है, ये फाइब्रिल्स के बने हैं। किसके बने हैं, फाइब्रिल्स के। अब आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा फाइब्रिल्स क्या होता है। अगर कोई प्लांट सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो ये जो फाइब्रिल्स बनते हैं ये इसी साइटोप्लाज्म बनते हैं, ये जो सेल का साइटोप्लाज्म है यहीं पर फाइब्रिल्स का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन क्या आता है ये देखो, देखो कभी क्वेश्चन अगर आपसे ऐसे आए कि अगर आपसे कोई पूछे कि फाइब्रिल्स का फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे होता है, तो ये लिखिए 100 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, समझिए इस बात को, 100 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में जब फॉर्मेशन, ये आपस में बाइंड होते हैं तो इनसे मिशेल का फॉर्मेशन होता है। आप इस मिशेल को डाइजेशन चैप्टर से मत जोड़िएगा, हम आपको पढ़ा रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिल्स, फाइब्रिल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिल्स। तो ये देखिए, सबसे पहले 100 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कहाँ है, यहाँ पे सेल के साइटोप्लाज्म में, और ये सेल के साइटोप्लाज्म में मिलकर जो 100 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग मिशेल कहते हैं। ये कुछ ऐसे ही हार्ड ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट होता है। फिर ये 100 मिशेल जो है ये आपस में मिलके माइक्रोफाइब्रिल बनाती है। क्या बनाती है, माइक्रोफाइब्रिल बनाती है। ये माइक्रोफाइब्रिल कुछ ऐसे दिखता है, ऐसे काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, और ये माइक्रोफाइब्रिल 250 माइक्रोफाइब्रिल मिलके ये देखिए फाइब्रिल का फॉर्मेशन करती है। ये देखिए, तो ये फाइब्रिल है। तो अगर आपको कभी इसका सीक्वेंस पूछा जाए तो आपको क्या जवाब देना है, कैसे बनता है ये जो फाइब्रिल्स है, ये प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल में फाइब्रिल्स पाए जाते हैं, इसी के आधार पर इनमें सॉफ्टनेस और इलास्टिसिटी या रिजिडिटी आती है। तो अगर 100 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल पहले मिलके मिशेल माइक्रोफाइब्रिल बनाते हैं और ये माइक्रोफाइब्रिल 250 माइक्रोफाइब्रिल मिलके फाइब्रिल का निर्माण करते हैं, इन सारी चीजों में जो एंजाइम चाहिए, वो एंजाइम का नाम सुनिए, ये एंजाइम चाहिए सिलेज सिंथेटेस। ये सिलेज सिंथेटेज एंजाइम है, ये एंजाइम का नाम है जो एंजाइम इस रिएक्शन को परफॉर्म करा रहा है।
मतलब आप ये समझे कि प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल का जो फॉर्मेशन होता है वो जो सेल वॉल है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जो मिडिल लैमेला के अंदर बनेगी वो जो है फाइब्रिल्स की बनी है। फाइब्रिल्स किसके बने हैं? माइक्रोफाइब्रिल के। माइक्रोफाइब्रिल किसके बने हैं? मिशेल के। और मिशेल किसका बना है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का। और इस ग्लूकोज से फाइब्रिल बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड एंजाइम है उस एंजाइम का नाम है सेलुलेज सिंथेटेज। ये एंजाइम कहां पर होगा? अगर आप सेल को ध्यान से देखें तो यह एंजाइम सेल के साइटोप्लाज्म में पड़ा होगा। ये एंजाइम क्या करेगा? इस साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज है उससे फाइब्रिल बनाएगा और उन फाइब्रिल्स को सेल के बाहर भेजना शुरू करेगा। इसीलिए लिखा गया है कि सेल वॉल का फॉर्मेशन प्रोटोप्लाज्म करता है। तो अब देखिए ये मिडिल लैमेला है दो प्लांट सेल के बीच में। अब आपको मैं मिडिल लैमेला के बाद प्राइमरी सेल वॉल पढ़ाता हूं। मिडिल लैमेला के ठीक तुरंत बाद ये देखिए, अगर आप इसको दो सेल के बीच का स्ट्रक्चर मानते हैं तो मिडिल लैमेला के ठीक बाद ये लेयर है जिसको हम लोग प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। तो आपको लोकेशन याद करनी है कि मिडिल लैमेला के तुरंत बाद जो लेयर है उस लेयर को हम लोग प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। हम मिडिल लैमेला को दो सेल के बीच में मान रहे हैं, इसका मतलब एक सेल ये है, दूसरी सेल ये है। दोनों सेल के बीच में ये जो जगह है इसे मिडिल लैमेला कहते हैं। और इस मिडिल लैमेला के बाद जिस सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है उसे हम लोग प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। अब आप इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन लें प्राइमरी सेल वॉल के बारे में। तो अगर आपको प्राइमरी सेल वॉल के बारे में लिखना है तो सबसे पहला कमेंट लिखिए लोकेटेड, फट से लिखिए लोकेटेड बिलो मिडिल लैमेला। ये पहला कमेंट हो गया इसका, मिडिल लैमेला के ठीक अंदर है। दूसरा कमेंट लिखिए इसके बारे में कि ये कंटीन्यूअस लेयर है, मतलब इसमें कहीं पर भी बीच में पोर्स नहीं पा जाते हैं, कंटीन्यूअस लेयर है। ये देखिए ऐसे आप लिख दीजिए कंटीन्यूअस लेयर का मतलब ये लगातार होती है, इसमें बीच में कोई पिट्स वगैरह नहीं पा जाते हैं। तीसरी बात लिखिए यूनिवर्सल लेयर है। ये ध्यान रखिए चाहे वो मेरिस्टमेटिक टिश्यू चाहे वो परमानेंट टिश्यू हो हर लेयर में ये हर सेल में पाई जाती है। आपको ये बात याद रखनी है कि ये यूनिवर्सल लेयर है, इसका ध्यान रखना है। तीसरी बात लिखना है कि सिंगल होती है, मतलब इसकी संख्या कभी भी डबल नहीं होती है। अगर आप इसके केमिकल कंपोजिशन को देखें, केमिकल कंपोजिशन में देखें तो इसमें हेमीसेलुलोज का अमाउंट ज्यादा है, इसको ध्यान रखेंगे हेमीसेलुलोज का अमाउंट ज्यादा है, हेमीसेलुलोज का अमाउंट ज्यादा है जबकि इसमें सेलुलोज का अमाउंट कम होता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। आपने ये बात ध्यान रखी हेमीसेलुलोज ज्यादा है सेलुलोज कम है, सिंगल लेयर है। और आपको ध्यान रखिएगा इन मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो है जिनमें हमेशा डिवीजन होता है, मेरिस्टमेटिक टिश्यूज को एनसीईआरटी ने यंग प्लांट सेल लिखा है। आपको यह ध्यान रखना है कि ये यंग प्लांट सेल है, यंग प्लांट सेल मतलब एनसीईआरटी ने ये यंग प्लांट सेल लिख दिया, ये ध्यान रखना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मेरिस्टमेटिक टिश्यूज में ओनली प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट, केवल प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये देखिए कितने कमेंट हो गए, मिडिल लैमेला के नीचे है कंटीन्यूअस लेयर है, यूनिवर्सल लेयर है, सिंगल है, हेमीसेलुलोज की बनी है, ये देखिए। और मेरिस्टमेटिक टिश्यूज में केवल प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है। इसके सिवा इसमें और क्या कमेंट हो सकते हैं आपको, अगर इसको देखिए, अगर आप एनसीईआरटी में देखिए तो इसका जो नेक्स्ट कमेंट है, इसका नेक्स्ट कमेंट है ये सॉफ्ट होती है, दूसरा देखिए डेलिकेट होती है, सॉफ्ट है डेलिकेट है और एंड कैपेबल ऑफ ग्रोथ, इसमें ग्रोथ हो सकती है, एंड कैपेबल ऑफ ग्रोथ, फट से आप लिखना है एंड कैपेबल ऑफ ग्रोथ। जिन प्लांट सेल में, आपको ये ध्यान रखना है कैपेबल ऑफ ग्रोथ का मतलब ये हुआ जिन प्लांट सेल में प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है, जिन प्लांट सेल में प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है वो डिवाइडिंग होती है, मतलब उनमें डिवीजन की क्षमता होती है, इसका आपको ध्यान रखना है। डिवाइडिंग सेल्स होती है। तो इतनी बातें हो गई इसके बारे में। एक कमेंट है ये देखिए, फॉर्मड बाय इंटरसेप्शन, ये खास तरह की प्रक्रिया है, फॉर्मड बाय इंटरसेप्शन, ये सेल वॉल की ग्रोथ की एक प्रक्रिया है जिसमें लेयर का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए फॉर्मड बाय इंटरसेप्शन। एक 10 नंबर कमेंट है, फाइब्रिल्स आर लेस इन नंबर
हार्वेस्ट जो होते हैं उनकी संख्या कम होती है, संख्या कम होती है इसलिए ये जो है सॉफ्ट होती है। तो कितने कमेंट हो गए ध्यान से देखें, मिडिल लैमेला के नीचे है, कंटिन्यूअस लेयर है, यूनिवर्सल लेयर है, सिंगल है, हेमिसेल्युलोज ज्यादा है, सेल्युलोज कम है, मेरिस्टमेटिक टिश्यूज में केवल प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है। ध्यान रखना ये यूनिवर्सल लेयर है, अगर आप इतना ध्यान रख रहे हैं तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। इसमें पिट्स एब्सेंट होते हैं, पिट्स एब्सेंट होते हैं क्योंकि ये पिट्स सेकेंडरी सेल वॉल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। ध्यान रखिए इस बात का, पिट्स सेकेंडरी सेल वॉल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। और एक ध्यान रखना है, और जब सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है तो प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश कर जाती है। मैं ये बात नहीं देता हूँ, ये एनसीईआरटी की बात है, मैं पहले यहाँ लिख दूँ, ये एनसीईआरटी है, आप इसका पूरा ख्याल रखें।